हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन चैनल, सबका चैनल। मैं हूँ यशिता। आज हम बात करेंगे वेल्डिंग की। मैं इस वीडियो में आपको अबाउट वेल्डिंग, वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, वेल्डिंग के टर्म्स और कुछ स्पेशल वेल्डिंग जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूँगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग पोर्शन, तो चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के। तो वेल्डिंग जो हमारी होती है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक फ्यूजन एंड नॉन फ्यूजन। फिर इसको हम क्लासिफाई करते हैं। फ्यूजन मींस नॉन प्रेशर, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जबकि नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में हमें प्रेशर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो फ्यूजन वेल्डिंग हमारी मेनली 3 टाइप्स की होती है, गैस, आर्क एंड केमिकल। इसके अलावा भी 2-3 इलेक्ट्रो स्लैग, इलेक्ट्रो बीम, लेज़र वेल्डिंग, इसके क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो मेनली जिनसे हमारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो मैंने सिर्फ उन्हीं वेल्डिंग को यहाँ पे रखा हुआ है। तो गैस, आर्क एंड केमिकल, गैस वेल्डिंग के जो क्लासिफिकेशन में आए हैं तो वो ऑक्सीएसिटिलीन, एयर एसिटिलीन, ऑक्सीहाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग, ये सारी गैस वेल्डिंग के इंटरनल आती है। उसके बाद आर्क वेल्डिंग के हैं, आर्क एसी, आर्क वेल्डिंग डीसी, डीसी में डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी एंड डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, इसके 2 टाइप्स होते हैं। मिग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड सा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन फ्यूजन में। तो नॉन फ्यूजन एक विथ हीट एंड विदाउट हीट। तो विथ हीट यानी जिसमें हीट का यूज़ होता है वो रेजिस्टेंस, सोल्विंग, बेजिंग एंड बेज। फिर उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन है रेजिस्टेंस के अपसेट, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, परक्यूशन, फ्लैश बट वेल्डिंग। इसी तरीके के विदाउट हीट का यदि हम क्लासिफाई करें तो कोल्ड प्रेस एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड क्रायोजीन होता है। तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट आपकी वेल्डिंग है वो हम अभी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। उसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप किस चीज़ को क्या बोलते हो वेल्डिंग में, वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो हम बात करेंगे वेल्डिंग टर्म्स के कुछ। तो देखिए, जो इसमें पेरेंट मेटेरियल होता है, तो जिन प्लेट्स का वेल्डिंग करना होता है यानी जिन प्लेट्स की आपको वेल्डिंग करनी होती है उन प्लेट्स को आप पेरेंट मेटेरियल बोलते हो। उसके बाद एक वेल्ड पास होता है, तो वेल्डिंग करते समय जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप अपने फिलर रॉड को ले जाएंगे तो उसे ही हम वेल्ड पास उसको बोला जाता है। फिर उसके बाद है वेल्ड फेस। तो वेल्ड बीड का वह हिस्सा जो एयर में एक्सपोज होता है, मतलब कि कुछ इस तरीके का, तो यह हिस्सा देखिए जो आपका एयर में एक्सपोज हो रहा है उसे हम वेल्ड फेस बोलते हैं। वेल्ड बीड, जिस जगह पर पेरेंट मेटल को वेल्ड किया गया है वहाँ पर जमा किया हुआ मेटल वेल्ड बीड कहलाता है। उसके बाद हीट इफेक्टेड जोन, तो वेल्ड बीड के आसपास का पेरेंट मेटल का वह हिस्सा जो वेल्डिंग करते समय हीट से इफेक्टेड हुआ हो उस जोन को आप हीट इफेक्टेड जोन बोलते हो। डिपोजिशन वेट, जिस वेट से वेल्ड मैटर वेल्ड पूल में जम रहा होता है उसी को हम लोग डिपोजिशन वेट बोलते हैं और इसकी यूनिट केजी पर आर होती है। वेल्ड पूल, जिन दो प्लेटों को जोड़ना होता है इन प्लेटों के कॉन्टैक्ट पॉइंट का वह हिस्सा जहाँ पर मेटल डिपॉजिट हो रहा हो उसे वेल्ड पूल बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने वेल्डिंग की। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं पहले से। तो हम पहले बात करते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग की। यहाँ पर मैं आपको अभी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वेल्डिंग ही डिस्कस करूँगी, उसके बाद जो बच जाएंगी उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारी वेल्डिंग अपलोड करूँगी। तो देखिए, मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है कि जब वेल्डिंग आर्क जॉब तथा फिलर रॉड के मध्य बनाई जाती है या उनके, तो उसमें उसे मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो आपके मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही नोट किया हुआ है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसमें जो वर्कपीस होता है उसमें वेल्ड होने वाली जो सरफेस होती है उसकी फिलर रॉड दोनों पिघलते हैं, यानी इसमें जो फिलर रॉड होगी वर्कपीस दोनों मेल्ट होकर वेल्ड का जो होता है वो फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो आर्क का आपका टेम्परेचर होता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है, यानी ऊपर होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आपसे बात करेंगे कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कॉपर कोटेड होता है और इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो कंज्यूमेबल होता है। कंज्यूमेबल मींस वो इलेक्ट्रोड जो होगा वो मेल्ट होगा, अगर नॉन कंज्यूमेबल है तो इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होगा।
यह एक सेमी ऑटोमेटिक मेथड है। इसमें यूज किया गया फ्लक्स ग्रैनुलर होता है, यानी वो दानेदार होता है। इस वेल्डिंग में आग पूरी तरह से वेल्डिंग फ्लक्स में डूबा रहता है, और ये जहाँ जो सम्बल्स आर्क वेल्डिंग है वो मोस्ट सुटेबल होता है इन लो कार्बन स्टील। इसमें जो पोलैरिटी यूज करते हैं वो रिवर्स पोलैरिटी होता है, और इसमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखते हैं जबकि बेस मेटल को हम लोग निगेटिव रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग मिग या मैग की। तो यहाँ पर इसमें मिग या मैग में हम लोग वेल्डिंग गन यूज करते हैं। तो मिग में इनर्ट गैस जो होती है वो हमारा फ्लक्स का वर्क करती है इसमें, जबकि मैग में कार्बन डाइऑक्साइड या एक्टिव गैस फ्लक्स का वर्क करती है। इसमें एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज सेमी एटॉमिक वेल्डिंग। उसके बाद है इसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रोड में किसी भी तरह का कोई फ्लक्स कोटेड नहीं होता है। इसमें रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं, और इसका यूज मिग या मैग का यूज थिन सीट वेल्ड में करते हैं। यानी आपकी जब कोई दो प्लेट हो और उनकी जो थिकनेस वो बहुत कम होती है, तो उस तरह की वेल्डिंग में हम लोग मिग या मैग का यूज करते हैं। मिग का फॉर्म जो फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, एंड मैग का मेटल आर्क गैस वेल्डिंग। तो आप ये याद रखिएगा कि जो मेटल इनर्ट गैस है तो इसमें इनर्ट गैस यूज करती है, जबकि मैग में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कि हम एक्टिव गैस बोलते हैं उसका यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कार्बन आर्क वेल्डिंग की। तो इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, जो इलेक्ट्रोड होगा वो कार्बन का होगा। इसका यूज यहाँ पे आपका इसमें स्ट्रेट पोलैरिटी होती है। इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो नॉन कंज्यूमेबल यूज होता है। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, यानी ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए अलग से फ्लक्स की व्यवस्था इसमें नहीं करनी पड़ती है, हमें अलग से किसी प्रकार के फ्लक्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्लक्स का कार्य करती है, इस वजह से क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड है वो कार्बन का बना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फ्लक्स का कार्य खुद ही करती है। इस वजह से हम इसमें किसी भी प्रकार का अलग से फ्लक्स नहीं यूज करते हैं। मे बी यूज इन ट्विन आर्क मैथड, इसका यूज़ ट्विन आर्क मैथड में भी कर सकते हैं, और इसमें जिसमें कि हमारे जो कार्बन इलेक्ट्रॉड होंगे वो टू यूज किए जाते हैं। उसके बाद है टिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉड है वो नॉन कंज्यूमेबल और टंगस्टन इलेक्ट्रॉड यूज करते हैं। इसका यूज इनर्ट गैस में होता है एज अ फ्लक्स। इसमें स्ट्रेट पोलैरिटी यूज होती है, और टॉर्च इज वाटर्ड और एयर कूल्ड। इसमें टॉर्च का यूज़ किया जाता है इसमें, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होती है जिससे कि ठंडा, ताकि हमारा थोड़ा सा ठंडा रहे। यूज एसी एंड डीसी बोथ पावर, इसमें एसी या डीसी दोनों तरह की पावर यूज की जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्क स्टड वेल्डिंग की। तो इस वेल्डिंग का यूज किसी बड़ी मशीन के बॉडी पर स्टड बोल्ट विवेट या अन्य किसी छोटे जो पार्ट है जो आपका वो वेल्ड किया जाता है। इस वेल्डिंग में मोल्टन मेटल का वेल्ड पूल बनता है। इस वेल्डिंग का यूज एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, बॉयलर इत्यादि में किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में आर्क टंगस्टन के दो इलेक्ट्रोड के मध्य बनाई जाती है। इसमें अलग से हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाई जाती है, जो अपने परमाणुओं में टूटकर फ्लक्स का वर्क करती है। इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल इसमें यूज होता है, और फिलर रॉड यूज में लाते हैं इसमें, यानी जो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है उसमें फिलर रॉड यूज की जाती है। इस वेल्डिंग में जो आर्क का टेम्परेचर है वो 3730 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद ये हल्का सा देखिए टिग और मिग में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पुटअप किया जाता है कि जैसे TIG में है उसमें किस तरह का इलेक्ट्रोड आप यूज होता है, कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल, टंगस्टन, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो TIG आपकी वेल्डिंग है उसमें नॉन कंज्यूमेबल होता है, जबकि MIG में कंज्यूमेबल होता है। TIG में बोथ AC और DC करंट यूज की जा सकती है, जबकि MIG में वनली DC। इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है वो टंगस्टन का होता है। इसमें बेस मेटल इलेक्ट्रोड होता है, यानी जिस प्लेट की वेल्डिंग करनी है वो जिस मेटल का बना होगा आपका इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल का होना चाहिए। इसमें 100 एम्पियर से अधिक करंट होने पर वाटर कूल्ड टॉर्च यूज में लाते हैं, जबकि इसमें 250 एम्पियर से करंट होने पर अधिक होने पर वाटर कूल्ड टॉर्च यूज में लाते हैं, या मैनुअल हो सकता है, यानी ये हैंड से भी किया जा सकता है, जबकि ये थोड़ा सा सेमी ऑटोमेटिक होता है। TIG जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, जबकि MIG ये फास्ट होता है। इसमें अधिकतम जो आपकी करंट होगी वो 600 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, जबकि इसमें अधिकतम 350 एम्पियर की करंट यूज करते हैं।
इसमें इनर्ट गैस एज अ फ्लक्स यूज करते हैं, जबकि इसमें इनर्ट गैस के अलावा इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी यूज कर सकते हैं एज अ फ्लक्स। उसके बाद बात करते हैं हम पोलैरिटी क्या होता है। तो पोलैरिटी इज यूज्ड ओनली डीसी वेल्डिंग। जो पोलैरिटी का यूज़ होता है वो केवल डीसी वेल्डिंग में होता है और उसका यूज़ एसी वेल्डिंग में नहीं होता है। डीसी वेल्डिंग में 2/3 पार्ट जो होगा वो हीट पॉजिटिव होगा तथा 1/3 पार्ट जो आपका हीट होगा वो निगेटिव होगा। यानी जिसे आप पॉजिटिव दे रहे हो उसका जो हीट का परसेंटेज है वो 67% है और जो पार्ट निगेटिव है उसमें 33% है। यह टर्मिनल में उत्पन्न होती है। स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोड स्ट्रेट पोलैरिटी में जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो निगेटिव होगा वर्क पीस, जबकि आपका पॉजिटिव रखा जाएगा। अर्थात वर्क पीस के मेल्ट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जिसका मतलब कि हीट जिसमें ज़्यादा होगी उसके मेल्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अर्थात स्ट्रेट पोलैरिटी में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं क्योंकि इसमें बेस मेटल मेल्ट होता है। जबकि तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपका वर्क पीस पॉजिटिव है या आप फिर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है उसमें स्ट्रेट पोलैरिटी होगी, क्योंकि उसमें आपका जो वर्क पीस है वो मेल्ट होगा क्योंकि उसका वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं जबकि इलेक्ट्रोड का वैल्यू निगेटिव में लेते हैं। आपको पता है और मैंने बताया कि 2/3 पार्ट मतलब कि 67 पार्ट हीट डेवलप होती है पॉजिटिव वाले में एंड निगेटिव वाले में 33%। तो आपको अभी जितनी मैंने वेल्डिंग बताई कि इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है या रिवर्स पोलैरिटी है, तो आप इन पॉइंट से आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझ सकते हो कि अगर हमने इलेक्ट्रोड को निगेटिव दिया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें हीट का डेवलपमेंट है वो कम होगा, इसका मतलब वो नॉन कंज्यूमेबल होगा। उसके बाद आप देख लेते हैं रिवर्स पोलैरिटी की प्रॉपर्टी। तो इसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रखते हैं जबकि आपका जो वर्क पीस है जिसकी वेल्डिंग करनी है उसे निगेटिव रखते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रोड के मेल्ट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं क्योंकि जिसे हम पॉजिटिव रखते हैं उसमें 67% हीट डेवलप होती है। रिवर्स पोलैरिटी यदि है तो उसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, इट मीन्स इलेक्ट्रोड मेल्ट होगा। थर्मिट वेल्डिंग की बात करते हैं, तो थर्मिट वेल्डिंग में सबसे पहले तो यही आपसे पूछ लिया जाता है कि एल्युमिनियम और फेरस ऑक्साइड का रेशियो क्या होता है या थर्मिट वेल्डिंग में आप क्या यूज़ करते हो। तो इस विधि में या इस मेथड में एल्युमिनियम या फेरस ऑक्साइड जो कि 1:3 में मिश्रण लेकर उसे इग्नाइट करते हैं यानी बर्न करते हैं, जिससे यह मिश्रण द्रवित अवस्था यानी आपकी लिक्विड स्टेट में ये आपको मिल जाता है। अगर इसे फिलर मेटल की तरह यूज करके जोड़े जाने वाली सतह पर डालकर हम ज्वाइंट पाप कर लेते हैं कुछ इस तरीके की आपकी रिएक्शन होती है और आपसे इतनी हीट आपकी डेवलप होती है, या मिश्रण इग्नाइट होने पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। तो आपसे पूछा जाता है कि थर्मिट वेल्डिंग में कौन सी रिएक्शन होती है, तो वो एक्सोथर्मिक होती है जिससे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर 2750 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। केवल 30 सेकंड में आपका टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है। इसमें इग्निशन एमजी धातु के विभिन्न द्वारा करवाया जाता है। इस वेल्डिंग में कास्टिंग की तरह रनर और वाइजर यूज में लाए जाते हैं। इसके द्वारा भारी पाइप्स, रेल लाइन, शाफ्ट आदि को वेल्ड किया जाता है। मैं जो ये सीट में जितने भी पॉइंट्स हैं आपके हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। केवल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है सिर्फ मैंने वही इंडिकेट किया है। अगर आपको डिटेल में वेल्डिंग पढ़नी है तो आप बुक से पढ़ सकते हो, यहाँ सिर्फ मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इंडिकेट किया हुआ है। गैस वेल्डिंग देखते हैं, जब दो कारखंड या जब दो जॉब को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा ईंधन को जला कर प्राप्त करते हैं इसमें, तब उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। ईंधन के रूप में नेचुरल गैस, आप पेट्रोलियम गैस, एसिटिलीन गैस यूज में लाई जा सकती है। लेकिन जो एसिटिलीन गैस है उसका सबसे अच्छा, उसको सबसे अच्छा फ्यूल माना गया है। ऑक्सी एसिटिलीन का सबसे गर्म जो एरिया है वो 3200 डिग्री सेल्सियस तथा ऑक्सी हाइड्रोजन का जो सबसे गर्म क्षेत्र है वो 1900 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन के सिलेंडर यूज होते हैं। ये दोनों गैस वेल्डिंग टॉर्च में आकर मिक्स्ड होती हैं तथा फ्लेम का निर्माण करते हैं। यह फ्लेम बेस मेटल तथा फिलर रॉड को मेल्ट करती हैं जिससे ज्वाइंट प्राप्त हो जाता है। देखिए इसमें लो प्रेशर वेल्डिंग एंड हाई प्रेशर वेल्डिंग होती है। तो लो प्रेशर वेल्डिंग में आपका जो प्रेशर है 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो सकता है, जबकि हाई प्रेशर वेल्डिंग में 15 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर या उससे अधिक हो सकता है। बात करते हैं, मैं थोड़ा सा फ्लेम बता दूं, फ्लेम में आपसे रेशियो पूछ लेता है। तो देखिए जो न्यूट्रल फ्लेम होती है उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो है वो 1:1 होता है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में
ऑक्सीजन और एसिटिलीन का 15:1 होता है, जबकि रिडक्शन या कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो 0.8:1 है। देखिए ये आपकी कुछ इस तरह की फ्लेम होती है, ये टॉर्च आपका होता है, ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट है ये इनर कोन इंटरमीडिएट जोन जिसे कि हम लोग रेड्यूसिंग जेन भी बोलते हैं, ये आपका आउटर इन्वलोप या फिर ऑक्सीडाइजिंग जोन होता है। देखिए जब एसिटिलीन और ऑक्सीजन टॉर्च की टिप से निकलते हैं तो यह दोनों सफ़ेद चमकदार ज्वाला के साथ जलते हैं, जिसकी क्रिया निम्न है। आपको ये रिएक्शन आपको दिखाई गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए आपसे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। देखिए व्हाट काइंड ऑफ जॉब पीसेज आर जॉइंट बाय सीम जॉइंट, सीम जॉइंट के अकॉर्डिंग आप कौन सी सीट जॉइंट करते हो, तो थिन सीट्स जॉइंट की जाती हैं। और व्हाट मटेरियल इज बफर प्लेट मेड, बफर प्लेट जो होती है वो आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर रबर की बनी होती है। विच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज टू वेल्ड व्हील्स, व्हील्स को वेल्ड करने के लिए कौन सी वेल्डिंग यूज करते हैं, तो हम लोग थर्मिट वेल्डिंग। विच मशीन इज यूज इन रेजिस्टेंस और वेजिंग, कौन सी मशीन हम लोग वेजिंग के लिए यूज करते हैं, तो स्पॉट वेल्डिंग मशीन। एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका विच मेटल इज यूज टू बेज गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, जो आपकी गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी होती है उसे जोड़ने के लिए आप किसका यूज करते हो, तो ब्लो पाइप बेजिंग है। इन आर्क स्टेट वेल्डिंग ऑफ व्हाट रेजिस्टेंस इज फेरूल मेड ऑफ, तो फेरूल किसका बना होता है, तो वो आपका सेरामिक का बना होता है। उसके बाद बात करते हैं विच मेटल आर मेड ऑफ रिटेनिंग सूज, तो आपका कॉपर का होता है, कॉपर मेटल का बना होता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा आगे की डिटेल दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए। थैंक यू सो मच।